नॉन रिटर्न वाल्व को ऑफ, नॉन रिटर्न वाल्व में हाँ फीडबैक में कोई प्रॉब्लम रहा वहाँ से ब्लॉक किया जा सकता है, सिंगल ऑर्गन ऑपरेशन है, सिंगल पाइप ऑपरेशन होता है। अगर हम इसको ट्विन पाइप में इस्तेमाल कर रहे हैं ठीक है, ये वाल्व मीनिंगलेस है, कुछ फंक्शन नहीं, इसलिए कि इधर का प्रेशर कितना है फिट पाइप में, इसलिए इधर से कोई रोकने का बात नहीं, वो हवा इन करते रहेगा, जिधर प्रेशर ज़्यादा है हमेशा इधर एयर में भरते रहेगा, ठीक है, इधर आया ठीक है, और जब ये वाल्व जब हवा मान लीजिए इधर से हमारा अब क्या है, हवा तो घुसने दिया प्रेशर उसी हिसाब से ये वाल्व एडजस्ट है, इधर से प्रेशर ज़्यादा है हवा को इन करने दे रहा है, अब इस पाइप को हम कट ऑफ कर दें, जब सिंगल में हम इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर क्या होगा, सिंगल में जब हम इस्तेमाल करेंगे इसको तो हमको बंद रखना होगा, लेकिन अगर ये वाल्व नहीं देते हैं तब क्या होगा, ये जो चार्ज हो रहा है ये हवा इधर आए, ठीक है, तो एक हो गया यहाँ पर इसको रोकना है, इधर से हवा इधर जाने नहीं देगा, अगर ये खराब हो गया तो हम इस पाइपलाइन को यहाँ से बंद कर देंगे, ये दो इसको इसके सेफ्टी के लिए दिया जाए, हम सिंगल पाइप का इस्तेमाल करेंगे तो ये दोनों हमारा उधर हवा जाने नहीं देगा, ये वाल्व ठीक है कि नहीं हमको चेक करना, कैसे चेक होगा, कोई तो मशीन तो अलग से नहीं लगा कर रखेंगे, क्या कि इसको जब भी गाड़ी में छोड़ेंगे ये सिंगल पाइप इस्तेमाल होगा कि ट्विन पाइप मालूम नहीं होंगे, लेकिन इस वाल्व को हमको चेक करना है ये वाल्व ठीक है कि नहीं है, अगर ये खराब हो गया तो इसको हर हाल में इंश्योर करना है, ये पार्ट दोनों अगर खराब हो गया तो हमको कहीं रोकने का जगह नहीं है, ये इसमें हवा जाएगी, हवा जाएगा आज ठीक है, तो हमको इसको रोकना है, इसका चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे, एकदम शुरू में हम बताएं इस वाल्व को चेक करना है हमारा ठीक है कि नहीं, वो कैसे पता चले, एस डब्ल्यू टी आर हम अभी नहीं लगाए, हमको चेक करना है, एस डब्ल्यू टी आर से इस वाल्व को कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ ये चेक करना है ये वाल्व ठीक है या खराब है, मतलब हमारा इसका फंक्शन क्या है वन वे, मतलब हवा अगर प्रेशर इधर ज़्यादा हवा आने देगा इधर से नहीं है तो हमारा यहाँ पर रुका रहना चाहिए, किधर 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 कहाँ पर, कहाँ पर बंद करना होगा, पीछे कौन में कौन सामने से, मैंने फीड पाइप को बंद करना, ब्रेक पाइप से हवा घुस सके, अगर हमको क्या करना है फीड पाइप में कोई हवा चार्ज नहीं करना शुरू में, उसका कनेक्शन ओपन है ठीक है, हम बीपी लाइन में पहले हवा देंगे, डीवी के थ्रू एआर में हवा गया, अगर ये वाल्व खराब हो गया क्या करेगा, ये हवा फीड पाइप में देना शुरू कर देगा, वहाँ से हमको पता चल जाएगा ये वाल्व खराब हो गया, तो वागन में तो पता नहीं है लेकिन कोचिंग में ये डेंजरस, कोचिंग में हर हाल में इसको रिप्लेस करना, कोचिंग अगर गाड़ी चला रहे इसमें सिंगल पाइप भी है नहीं, अगर काम नहीं किया तो हमारा सिंगल पाइप में चला रहे, लेकिन कोच को सिंगल पाइप में चलाने का कोई प्रोविजन नहीं, इसलिए हर हाल में उसको चेक करने का तरीका, इसमें हवा शुरू में चार्ज नहीं करना, हवा इसमें चार्ज करेंगे, अगर इस फीड पाइप में हमको हवा मिल रहा है मतलब ये वाल्व लीकेज हो गया, खराब हो गया, यहाँ से हमारा हवा उधर जा रहा है, तो इसका नॉन रिटर्न वाल्व, इधर प्रेशर ज़्यादा है हमको इधर से हवा इधर ही आएगा इधर नहीं जाएगा, और ये चेक भी हो गया, अगर ये वाल्व में सिंगल पाइप इस्तेमाल करना इसको बंद कर दिए, हमारा ये खराब रहे ना रहे यहाँ तक हवा बंद है, इसका काम खत्म ठीक है। अच्छा उसके बाद अगर फीड पाइप ट्विन पाइप हम अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो चार्जिंग के बाद, चार्जिंग जब हम करें चार्जिंग में क्या होता है, चार्जिंग कर रहे हैं जब यहाँ से हवा आ रहा है बीपी कहाँ कहाँ जाएगा,
इस तरह से इसमें हवा आएगा, ब्रेक सिलेंडर में कितना प्रेशर आएगा, चार्जिंग कंडीशन इस पाइपलाइन में हवा कहीं नहीं है जब चार्जिंग हो रहा है। अगर इसमें हवा है मतलब हमारा क्या है, डीवी खराब हो गया। अगर शुरू में हवा मिल रहा है इस पाइपलाइन में ब्रेक सिलेंडर लाइन में तो डीवी खराब है, या कॉमन पाइप ब्रैकेट में जो उस दिन हुआ, कॉमन पाइप ब्रैकेट जहां पर ये तीन पाइप हमारा लाकर जोड़ रहे हैं, एक बीपी, एक ऑक्सीजन रिजर्वायर यार में जा रहा है, एक ब्रेक सिलेंडर, इसमें अगर डायरेक्ट हवा घुस रहा तो उस दिन जो था क्या हुआ था, कॉमन पाइप ब्रैकेट और इंटरमीडिएट की जो वहाँ पर उसका जो होल है डिफरेंट ये बाईपास हो रहा था हवा, तो डायरेक्ट हमको हवा मिल रहा था। तो या तो क्या खराब हो सकता है, गैसकेट जो वहाँ पर लगा हुआ है, या कॉमन पाइप ब्रैकेट खराब हो, या गैसकेट खराब हो गया। अगर वो ठीक है तब हमारा डीवी खराब हो रहा है, जो अंदर से बाईपास होकर हवा इसमें जा रहा है, जो चार्जिंग कंडीशन में जब सिस्टम में शुरू में हवा नहीं था उस टाइम में जब हवा हम चार्ज कर रहे हैं तो हमको ब्रेक सिलेंडर लाइन यहाँ से इस एरिया में हवा नहीं रहना चाहिए। इसमें हवा मिल रहा है मतलब इस एरिया में हमको कंसंट्रेट हो रहा है, यहाँ पर कोई खराबी आ गया, ठीक है। चार्जिंग जब हो जाएगा इसका प्रेशर कितना रहेगा, एयर का अगर फीट पाइप मैंने ट्विन पाइप हम इस्तेमाल कर रहे हैं तब कितना प्रेशर रहेगा, ठीक है बोला वॉल्यूम है, वो तो वॉल्यूम है मतलब उसका स्पेस है 100 लीटर। प्रेशर कितना, प्रेशर मतलब जो यूनिट एरिया में कितना हम फोर्स लगा रहे हैं वो चीज़ है प्रेशर, वो कितना है इसमें रहेगा, 3.8 के जी सर, 5 के जी, 5 के जी नहीं, एग्जरेटर में तो 3.8 के जी रहता है, इसमें 6 के जी। डीवी का जो पोर्ट है, जो बीपी पोर्ट है अंदर में, उसमें हवा कितना है डीवी के अंदर, ये फुल अगर चार्ज हो गया ये पाइपलाइन सहित यहाँ पर ये पोर्ट कितना दिखाएगा, 5 के जी माने बीपी जो हवा, और ये कितना होगा, 5 के जी, ये 5 के जी है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इस कंडीशन में हम गाड़ी को मूव करा सकते हैं, चार्जिंग जब हो जाएगा ये 6 के जी, ये 5 के जी, ये 5 के जी। चार्जिंग में क्या होता है, पूरा सिस्टम में हवा चार्ज कर रहे हैं और इस एरिया में हवा नहीं है और गाड़ी रन करने के लिए सक्षम है, इस स्थिति में ही गाड़ी मूव करना चाहिए। अब हमको इसको टेस्ट करना है, क्या क्या टेस्ट है, अगर SWTR का फुल फॉर्म बोलो नंद कुमार, सिंगल वैगन टेस्टिंग रिंग, सिंगल वैगन टेस्टिंग रिंग कहाँ इस्तेमाल होता है, यार्ड में कि सिक लाइन में, सिक लाइन में सिंगल बोगी, सिंगल वैगन कहाँ है, सिंगल बोगी टेस्ट होता है इसे, सिंगल हम का एक साथ लगा देंगे काहे नहीं होता यहाँ पर, काहे हमको काहे जरूरत पड़ा यहाँ सिंगल वैगन टेस्ट करने, ठीक बोल रहा है और कुछ टेस्ट करना है, लिखे सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी पे टेस्ट कर रहा है तो कौन सी का सेंसिटिविटी, कौन सी का सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहा है, इसमें सेंसिटिविटी 600 ग्राम कौन सी का, हम जो टेस्ट कर रहे हैं डीवी का, ऑक्सीजन रिजर्वायर, ब्रेक सिलेंडर, डीवी ब्रेक सिलेंडर सब उसमें चेक होगा, डीवी ब्रेक सिलेंडर, डीवी का जो भाल्व लगा हुआ उसका वो भाल्व काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं, ठीक है, इसका भाल्व सही से काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो ब्रेक अप्लाई कर रहा है उसका कंट्रोल सिस्टम ही है, यही कंट्रोल कर रहा है पूरा, अगर ये खराब हो गया ये सब ठीक रहने से भी मीनिंगलेस है, बेकार, इसलिए हमको इसका सेंसिटिविटी टेस्ट करना है। इसमें जो भाल्व लगाया हम बोले कि जिसको 5 के जी हवा चार्ज करना है तो यहाँ पर चार्ज है कि नहीं, और जो ब्रेक अप्लाई करना है तो हमारा उस हिसाब से उस लिमिटेड टाइम में जो दिया है उस हिसाब से ब्रेक लगा रहा है कि नहीं, यही चीज़ चेक करना। सेंसिटिविटी का कंडीशन क्या है, सेंसिटिविटी में क्या करते हैं,
600 ग्राम 6 सेकंड में ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। तो है करते क्या इसका प्रोसीड्योर क्या है, मतलब जब हमको मान ली टेस्ट करना है बागन, बागन में लगाए और हमको सेंसिटिविटी टेस्ट करना, बोल अभिषेक टेस्टिंग में काम करता है हमको सेंसिटिविटी टेस्ट करना है सिंगल बागन टेस्टिंग रिंग से, ठीक है। उसके लिए क्या क्या करना है, हमारा यहाँ कनेक्शन देना है, फीट पाइप का अगर है फीट पाइप लाइन में दे देंगे हमारा, अगर दोनों है जरूरत है तो, ठीक है। और SWTR का जो आउटलेट है, नहीं तो इनकमिंग वाला पाइपलाइन हमको इसमें नहीं डाला, इनकमिंग कहीं सोर्स से आएगा, कंप्रेसर मशीन हो चाहे इंजन हो जो भी हो, ये सोर्स है इंजन चाहे कंप्रेसर, ये दोनों से हमको हवा SWTR में आया। उसका आउटलेट कहाँ है, VP लाइन में हम लगा रहे हैं, ठीक है। इस इंड का बागन का कोई भी इंड में लगा सकते हैं, ठीक है। जिस इंड में लगाएंगे उसका एंगल का क्या रहेगा, ओपन कंडीशन, अपोजिट में बंद, इसको बंद करेंगे, मतलब हवा इस लाइन में नहीं जाना, ठीक है। और फीट पाइप का भी वही कंडीशन है, अगर ये है इसका फंक्शन सिर्फ यहीं तक है, फीट पाइप का काम ऑक्सिलरी रिजर्वायर को क्विक, मतलब इधर से जाएगा तो हमको सोर्स है इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस DB का जो अंदर का VP पोर्ट है उसका हवा लॉस हुआ है और ये हवा लॉस हुआ है, अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमको फिर जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट हवा दे दे रहे हैं तो हमको ऑक्सिलरी रिजर्वायर हमेशा रेडी हो रहा है जल्दी से, इसका बस वही तक फंक्शन है। अब ये क्या कर रहे हैं, SWTR का सेंसिटिविटी टेस्ट करने के लिए पहला काम क्या है, हम पूरा सिस्टम में हवा चार्ज कर दिए, क्या क्या है, VP 5 kg, फीट पाइप अगर ट्विन पाइप के हिसाब में है तब मैंने ऑक्सिलरी रिजर्वायर AR 6 kg हवा चार्ज हो गया, और CR में कितना है 5 kg, ठीक है। अब इसको बाद हमको सेंसिटिविटी टेस्ट करना है, ये सिस्टम में हमारा गेज के हिसाब से सब दिखा रहा है कितना हवा अभी अब ये इस एरिया में यहाँ पर आके बंद हो रहा है, हवा यहाँ पर बंद है, इस एरिया में हवा हमारा इस कंडीशन के हिसाब से फुलफिल हो गया, अब हवा इसमें जा नहीं रहा, फिक्स हो गया। अब जो कंप्रेसर मशीन है वो अगर हवा प्रोड्यूस भी कर रहा तो उसका जो वाल्व सेटिंग किया है उसके बाद वो बाहर एग्जॉस्ट हो जा रहा है, इसमें और नहीं जा रहा, यहाँ पर जाके स्थिर है। अब हमको सेंसिटिविटी टेस्ट कर रहा है तो पहला काम क्या होगा, दीपक जी बोलिए। पहला काम जो इनकमिंग सोर्स है मशीन का, हाँ यहाँ जो है हमको जो SWTR में जो हवा आ रहा है पहले हमको सोर्स जो है इसको बंद कर देना, मतलब हवा अब इसमें फर्दर चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। इसको बंद करने के बाद सेंसिटिविटी का जो इसमें पैसेज है हैंडल, इसको हम क्या करते हैं, जो चार्जिंग के टाइम में बंद था इसको हम ओपन कर दिया, मतलब यहाँ से लीकेज कर रहे हैं हवा बाहर कर रहे हैं हवा, और वो हवा जो बाहर हो रहा है वो कहाँ इफेक्ट देगा, इस बीपी लाइन को हवा ड्रॉप करेगा, ठीक है। हवा ड्रॉप करने के टाइम में हमको चेक करना है कि जब हम इस वाल्व को घुमाएं यहाँ पर सेंसिटिविटी का, उस टाइम से 6 सेकेंड के अंदर मैक्सिमम ड्रॉप 0.6 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, इससे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप 6 सेकेंड के अंदर नहीं होना चाहिए, मतलब यहाँ से जो लीकेज हम जो दे रहे हैं लीकेज इसका जो प्रेशर जो छेद है उसका रेट हवा गिरने का इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये मैक्सिमम ये 6 सेकेंड में 6 सेकेंड में इससे ज़्यादा ड्रॉप नहीं होना चाहिए, और इतना होते होते हमको ब्रेक सिलेंडर में हवा चला जाना है, मतलब ये ब्रेक सिलेंडर में हवा जाने से हमारा अगर ब्रेक सिलेंडर में डिफेक्ट नहीं है तो ये ब्रेक अप्लाई करेगा, ठीक है, मतलब इस पाइपलाइन में हवा चला जाना चाहिए, ठीक है। सेंसिटिविटी में हमको इसको लिमिट करना 0.6 kg ड्रॉप विद इन 6 सेकेंड, हम इसका हैंडल घुमाए हवा निकलना शुरू हुआ यहाँ से काउंटिंग करेंगे और 6 सेकेंड के अंदर अगर वो 1 सेकेंड में हो जाता है तो और ज़्यादा अच्छा है, हमको तुरंत हो जा रहा, लेकिन 6 सेकेंड से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन